अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त अली जरियून ने एक बहुत रेलेवेंट नज़म लिखी है और ये एक साल पहले लिखी गई थी और हैरत की बात यह है कि वो वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बदसूरत वाक़यात जो सिर्फ हम सुन रहे हैं देख रहे हैं लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे। नज़म का उन्वान है ममलिकत खुदादाद। ये जो चादरों पे झपट रहे हैं ये कौन है? ये जो चंद माह की चंद साल की बच्चियों को मसल रहे हैं ये कौन है? जो घरों में अपनी ही इज्जतों को कुचल रहे हैं ये कौन है? इन्हें किस खुदा का लिहाज है? इन्हें किस नबी का ख्याल है? मैं ये सोचता हूं कि ये कौन है, ये मरीजे शहवते बेतरां कि जो लाश तक नहीं छोड़ते। कोई है, कोई है जो मुझको बता सके इन्हें क्या कहूं? नहीं, जानवर इन्हें क्यों कहूं? किसी भेड़िए की मजाल क्या कि जो इनके सामने आ सके? ये घुटन का मारा हुजूम है, वो हुजूम जिसके हर एक शख्स का नफ्स जैसे कफस में है, वो कफस जो है कई शहवतों का बना हुआ। ये हुजूम जिसको लिहाजे आया तो नम नहीं, ये वो बददुआया ग्रोह है जिसे नस्बतों का भरम नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक ही भूख है, जिन्हें सिर्फ एक ही प्यास है। कोई मुर्दा जिस्म भी हो तो उसको उधेड़ दें, कोई फूल हो या कली मिले उसे नोच दें, जिन्हें अब अजल भी जो देख ले तो यही कहें कि ये कौन है।